बिहार में एनडीए सरकार, इंडिया की नैया कैसे पार? तेज हुई सियासी वॉर, इंडिया एनडीए में आर पार। एक ऐसी ईंट थी जो कभी भी खिसक सकती थी, वो चली गई। कांग्रेस अपनी दुर्गति के लिए खुद जिम्मेदार है। ईडी का एक्शन, इंडिया में टेंशन। ईडी के सामने लालू हाजिर हुए, हेमंत क्यों डरे? आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे। जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं उनको ये समन भेज दिया जाता है। तो देश दुनिया की 40 बड़ी खबरों के बाद अब वक्त आज की बड़ी खबरों की डिटेल पड़ताल करने का। पहले जान लीजिए आप शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर बिहार से आई, बिहार में एनडीए सरकार तेज हो गई है, अब सियासी तकरार। दूसरी बड़ी खबर लालू ईडी के द्वार, हेमंत पर गिरफ्तारी की तलवार। जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार। तीसरी बड़ी खबर मानहानि केस में तेजस्वी को क्या राहत मिलेगी, कल तेजस्वी को ईडी के सामने पेश होना है। और दिन की चौथी बड़ी खबर अब आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंत्र दिया है परीक्षा पे चर्चा करके। तो ये 4 बड़ी खबरें और आज किन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बिहार में एनडीए सरकार तेज हो गई है, सियासी तकरार, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की। और दूसरी तरफ लालू ईडी के द्वार और हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार। तो इन खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे जो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा जल्दी से उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार, निधि श्री झा हमारे साथ जुड़ रही है पटना से, और साथ ही दिल्ली से मेरे सहयोगी मनोज वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने सहयोगियों का हम रुख करेंगे, दिन की बड़ी खबरों पर विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है उसी के बारे में आपको बता देते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गए हैं। आप सोच रहे होंगे मिस्ट्री क्यों बन गए? जी, यहीं पर सस्पेंस है, मुख्यमंत्री मिस्ट्री बन गए। ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उनकी दिल्ली स्थित घर पर पहुंची थी, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं मिले। हेमंत सोरेन कहां हैं किसी को नहीं पता है। ईडी टीम दिल्ली में सोरेन की तलाश में जुटी हुई है। शांति निकेतन, मोतीलाल नेहरू मार्ग, झारखंड भवन, अलग अलग जगहों पर गई दिल्ली में, लेकिन सीएम मिले ही नहीं। आज सीएम सोरेन को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। ईडी की टीम सोरेन से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा। तो सबसे बड़ी मिस्ट्री ये कि आखिरकार कहां गए हेमंत सोरेन। इसी पर और जानकारी के लिए आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। सर, जानते हैं मनोज वर्मा से ये क्या सस्पेंस है, मतलब ईडी की टीम को मिल नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री, सीएम सोरेन को लेकर ये मिस्ट्री कैसे गहरा रही है? मनोज बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 7 बजे ईडी की जो टीम है वो शांति निकेतन में जो 5/1 मकान नंबर है वो यहाँ पर ईडी की टीम पहुँची थी, और सुबह हेमंत सोरेन यहाँ पर नहीं मिले। अभी तक ईडी की टीम यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो दस्तावेज़ हैं वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं, कुछ दस्तावेज़ ईडी की टीम ने जब्त भी किए हैं यहाँ से। इसके अलावा जो अंदर लोग मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन जो थे वो यहाँ पर ईडी की टीम को नहीं मिले। इसके बाद जो झारखंड भवन है वहाँ पर भी ईडी की टीम पहुँची थी, इसके अलावा मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भी ईडी की टीम पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन अभी तक नहीं मिले। इसके बाद जो जवाब आया हेमंत सोरेन की तरफ से वो ये आया कि 31 तारीख को वो ईडी के सामने पेश होंगे। दरअसल उनको 29 तारीख से 31 तारीख तक का समय ईडी ने दिया था पूछताछ के लिए, और आज उनको बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन वो अचानक से दिल्ली पहुंच गए, और जब वो दिल्ली पहुंचे तब ईडी की टीम यहां पर पहुंची। अब ये देखना होगा कि 31 तारीख को वो आते हैं या नहीं आते हैं। हालांकि बता रहे हैं कि 31 तारीख ये जवाब दे दिया गया है हेमंत सोरेन की तरफ से कि वो ईडी के सामने पेश होंगे। ऐसे में निधि, सवाल ये कि 29 से 31 जो ईडी की तरफ से समय दिया जाता है, और उससे पहले भी कितनी बार ईडी की तरफ से समन जो है वो भेजा जा चुका है सोरेन को, लेकिन सोरेन पहुंचते ही नहीं है, क्यों, किस बात का डर, क्या है चर्चा? बिल्कुल उमाने, देखिए ये 10वां समन भेजा गया था हेमंत सोरेन को, जिसमें कहा गया था कि अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो हम आपके घर पर आएंगे, पूछताछ करेंगे, और 29 से 31 के बीच का समय दिया गया था। और ऐसे में जब ईडी पहुंचती है तो हेमंत सोरेन अपने घर पर नहीं होते हैं। पहले ये जानकारी मिलती है कि हेमंत सोरेन दिल्ली स्थित घर पर नहीं है, कहीं और होंगे, लेकिन हेमंत सोरेन कहीं नहीं है, और इसका
जाहिर सी बात है विपक्ष फायदा उठा रही है, विपक्ष की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन भगोड़ा साबित कर देना चाहिए और ऐसे में झारखंड सरकार भी संकट में नजर आ रही है। हालांकि आज ये थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली ईडी को कि हेमंत सोरेन के ऑफिस की तरफ से यानी सीएमओ की तरफ से एक ईमेल के जरिए ये जानकारी दी गई है, तब जब ईडी पहुंच चुकी है उनके घर पर, और उसके बाद ये जानकारी दी गई कि हेमंत सोरेन 31 तारीख को यानी 31 जनवरी को अवेलेबल होंगे ईडी के सामने वो पूछताछ के लिए। लेकिन उससे पहले समन पर समन, 10वें समन के बाद भी हेमंत सोरेन कहीं नहीं है, पूरी सीन से आउट है और विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैंने पहले ही कहा था झारखंड सरकार का महाधिवक्ता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भगोड़ा घोषित कर देगा। आज मेरी बात सही साबित होती दिख रही है। मीडिया की खबरों के अनुसार या तो हेमंत सोरेन जी भाग गए दिल्ली से, या तो बीमार हो गए, या अपहरण हो गया। झारखंड के राज्यपाल जी को, उनकी सुरक्षा अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए। झारखंड की नाक कट गई। तो देखिए जिस तरीके से सस्पेंस बना रहा कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहां है, ईडी की टीम दिल्ली पहुंचती है, हेमंत सोरेन के लिए अलग अलग ठिकानों पर पहुंचती है और कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा होता, इसीलिए तो ये पूरा का पूरा सस्पेंस और मिस्ट्री जो खड़ी होती है मनोज वर्मा, इसीलिए ये पूरा सस्पेंस क्रिएट होता है क्योंकि घंटों तक, कई घंटों तक ईडी की टीम को कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है हेमंत सोरेन की। क्या कहा जा रहा था जब अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंच रही थी हेमंत सोरेन की तलाश में? जी बिल्कुल, देखिए सस्पेंस अभी तक बना हुआ है कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहाँ है। इससे पहले 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से उनके सरकारी आवास पर ईडी की टीम पूछताछ, और इससे पहले भी कई समन दिए गए हैं। यानी कि जब 8वां समन दिया गया था तब ईडी ने खुद ही ये कह दिया कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो हम आपके पास आ सकते हैं। तब 20 जनवरी को ईडी की टीम उनके सरकारी आवास पर पहुंची थी, वहां पर 7 से 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन उनकी पूछताछ कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इसके बाद 9वां समन किया गया और अब ये 10वां समन किया गया, और 10वें समन ने ईडी ने कहा कि 29 से लेकर 31 तक का समय है आपके पास, यानी 31 जनवरी तक आप आ सकते हैं। और अगर आप नहीं, ये आवाज में ना कुछ दिक्कत आ रही है मनोज, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ, साफ आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। मैं इस बीच निधि का रुख कर लेती हूँ। निधि, लेकिन अब साफ हो गई है ना तस्वीर, मतलब अब कॉन्टैक्ट हो गया है और हेमंत सोरेन की तरफ से अब ये जानकारी ईडी को दे दी गई है कि 31 जनवरी वो तारीख होगी जब ईडी के सामने आखिरकार पहुंचेंगे हेमंत सोरेन। निधि, बिल्कुल, देखिए ये साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन के ऑफिस सीएमओ से एक पत्र, एक ईमेल के जरिए जानकारी दी गई है, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि उन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन ईडी के डर से गायब हो गए। आप समझिए, एक राज्य का सीएम जिसको एक पर एक समन भेजा जाता है, 10वें समन के बाद भी वो उपस्थित नहीं होते हैं ईडी के सामने, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंचती है वो तब भी नहीं होते हैं, और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ईडी की पूछताछ के डर से सीएम झारखंड के हेमंत सोरेन गायब हो गए हैं। हालांकि अब उनके सीएमओ की तरफ से यानी सीएमओ की तरफ से मेल गया है, संभवतः 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ईडी के सामने उपस्थित होंगे। रोमाना, बड़ी जानकारी आप दे रही हैं, दर्शकों के सामने एक बार फिर से रख देते हैं। तो निधि ने जैसा कि बताया, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन के दफ्तर से ईडी को आधिकारिक जवाब भेज दिया गया है, जैसा कि निधि बता रही थी कि बाकायदा मेल पर यह जवाब भेजा गया है। आज ही सोरेन के दफ्तर ने ईडी को ईमेल भेजा है, सीएम के दफ्तर की ओर से बताया गया सीएम सोरेन 31 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगे। अभी भी हेमंत सोरेन कहां है इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं, और हेमंत सोरेन ये गायब से क्यों हो गए इसको लेकर किस तरीके की चर्चा है निधि? देखिए, आपको याद होगा इससे पहले भी जब ईडी ने समन भेजा था तब कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन उपस्थित होंगे, एक जमीन के मामले में उनसे पूछताछ की जानी है, और ऐसे में ईडी की तरफ से कई समन सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि सिर्फ आप समक्ष हो जाए, पूछताछ के लिए आप सामने रहे, और एक भी जवाब इससे पहले नहीं दिया गया था। तब शुरू से सवाल उठ रहे थे कि क्या ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार जो है वो गिर सकती है, लेकिन हेमंत सोरेन मीडिया में आते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से यानी सवाल जो है वो उठ ही रहे थे। लेकिन अब जब हेमंत सोरेन के घर पर ईडी पहुंची है और हेमंत सोरेन नहीं है, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है लेकिन कहां गायब है ये हेमंत सोरेन? उनकी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा रांची में, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से जानकारी देगी, तब संभवतः ये जानकारी सामने आए कि जेएमएम की तरफ से क्या कहा जा रहा है। तब संभवतः ये रात से पर्दाफाश हो कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहां चले गए, और ये जो सुबुगाहट है कि साहब हेमंत सोरेन डर गए हैं, तो क्या डर की वजह से हेमंत सोरेन नजर नहीं आ रहे? इन तमाम सवालों के जवाब शायद कुछ देर बाद, जिसका जिक्र निधि कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस,
उससे मिल पाए। बड़ी खबर का रुख करते हैं पटना में। ईडी दफ्तर के सामने पेश हुए लालू प्रसाद यादव, जमीन के बदले नौकरी वाला मामला, इसी में ईडी ने पूछताछ की लालू यादव से। लालू से ईडी की पूछताछ। मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो भी पहुंची ईडी दफ्तर। वो दवा देने के लिए लालू यादव को पहुंची थी। मीसा भारती ने कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो ईडी दफ्तर पहुंची हैं अपने पिता को दवा देने के लिए। मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है, उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई, बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में, आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और आइए सीधे रुक करते हैं, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं पटना से। जरा जानते हैं प्रकाश जी से क्या जानकारी मिल रही है ईडी के सामने लालू प्रसाद यादव की आज की ये पेशी। प्रकाश कुमार, देखिए लालू यादव को समन दिया गया था और उस समन के मद्देनजर ही आज की तारीख तय हुई थी कि पटना दफ्तर में जाएंगे, और तय मुताबिक ही वो गए हैं। वो चाहते थे कि कोई उनके साथ में सहयोगी रहे जो उनकी देखभाल करता रहे, लेकिन ईडी ने कहा कि जब ज़रूरत होगी तो उनको बुला लिया जाएगा समय पर दवाई देने के लिए या खाना खिलाने के लिए। लेकिन ईडी दफ्तर जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है, और वो जो सवाल उनके पहले से बने हुए हैं कि कहां से ये पैसा आया, कहां से ज़मीन गई, किन किन लोगों जिनके नाम है, जिनके नाम से ज़मीन खरीदी गई थी, उनसे इनका क्या परिचय है, कैसे जानते हैं या फिर उनके परिवार, तो ये जो सारा क्वेश्चनायर है वो पहले से ही तैयार है उस क्वेश्चन पर। लेकिन जो हमें ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि वो किसी भी सवाल के जवाब में हाँ या ना नहीं करते हैं, कई बार चुप्पी साध लेते हैं, कई बार वो बोलते नहीं हैं, कुछ सवाल के जवाब देते हैं लेकिन अनमस्क ढंग से। तो जाहिर है कि वो अपने तबीयत ख़राब होने की भी बात बीच बीच में बताते रहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं, लगातार पूछताछ हो रही है अभी भी, और हमारी सहयोगी जो है दीदी लगातार इस खबर पर नज़र रखी हुई है। दर्शकों को लेकर जरा जानते हैं निधि से। निधि, ये जो क्रम है इस पूरे मामले का, ये लैंड फॉर जॉब वाला मामला, इसमें सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं, लालू परिवार के अन्य कई सदस्य भी घिरे हुए हैं शिकंजी में। तेजस्वी यादव को भी कल पहुंचना है ईडी के सामने, और क्या अन्य परिवार के सदस्यों को भी ईडी की तरफ से तलब किया जाएगा इस मामले में? डिटेल्स क्या मिल रही हैं आज की इस पूछताछ के बाद, क्या एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को बुलाया जा सकता है, खबर क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज सुबह 11 बजे लालू प्रसाद यादव अपने घर से निकले हैं, साथ में मीसा भारती भी आई हैं, और मैं आपको, चूंकि मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, तस्वीरें भी दिखाती चलूं साथ में। ये आपको बड़ी संख्या में विधायक नजर आएंगे आरजेडी के, जो जब से लालू प्रसाद यादव यहां पहुंचे हैं ईडी दफ्तर, तब से ये सभी विधायक इसी तरीके से कुर्सी पर जमा कर बैठे हुए हैं, और सामने आपको ईडी दफ्तर दिखाई देगा जहां लालू प्रसाद यादव से पिछले 4 घंटे से पूछताछ चल रही है। कई सवालों का जवाब लालू प्रसाद यादव देने में असमर्थ है, और ये कहा जा रहा है कि वो बीमार है। मीसा भारती कुछ देर पहले यहाँ पर थी, और आपको बता दें कि ये समन की तारीख पहले से ही तय थी। और एक और जरूरी बात कि पहली बार ऐसा होगा जब ईडी के सामने पटना में लालू प्रसाद यादव फिजिकली प्रेजेंट हैं, इससे पहले वो फिजिकली उपस्थित नहीं हुए हैं ईडी के सामने, और ये ऐसे में आज अहम हो जाता है। और इसके साथ साथ दर्शकों को ये भी बताते चले कि चूंकि यहाँ आक्रोश ज्यादा है आरजेडी के समर्थकों में, ऐसे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ के कई जवान जो है उनकी तैनाती यहाँ की गई है। और एक बार मैं चाहूंगी कि यहाँ जो विधायक पहुंचे उनसे मैं क्विकली बातचीत करूँ, लेकिन आज यानी 29 जनवरी को लालू प्रसाद यादव को पेश होना था, ऐसे में वो पहुंचते हैं यहाँ पर, साथ में बेटी भी पहुंचती है, और उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है जो मेरे पिताजी के साथ किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर बता रही है आरजेडी की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उनमें। और कल तेजस्वी यादव को पेश होना है इस मामले में, और एक बार मैं क्विकली इनसे रिएक्शन लूंगी कि आखिरकार आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है पिछले 4 घंटे से पूछताछ। और दूसरी तरफ वहां हेमंत सोरेन के घर पर भी ईडी पहुंची है, जहां पर आरजेडी की सहयोग गठबंधन में सरकार है। मेरे साथ डॉक्टर मुकेश रोशन जी हैं बातचीत करने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बदले की भावना से ये सब कार्रवाई हो रहा है। कल सरकार में बीजेपी और जेडीयू सरकार बनाती है बिहार में, और आज हमारे नेता को तंग किया जा रहा है, जबकि सब लोग जान रहे हैं कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बीमार है, लेकिन हमारे नेता न तो डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं किसी के सामने। हमारे नेता पूरे मजबूती से जनता की अदालत में हम लोग जाने का काम करेंगे, और जनता ही न्याय दिलाएगी हम लोग को। आप
जनता के सामने क्या कहेंगे कि हमारे नेता को क्या टॉर्चर किया जा रहा है, पहले से तारीख तय थी, ये तो लैंड फॉर जॉब स्कैम का। आप लोग देख रहे हैं ना कि पिछले 17 वर्ष से मुख्यमंत्री जब रहे नीतीश कुमार जी, वो और उनके लेवल में आप देख लीजिए, 17 महीना जिस तरीके से तेजस्वी जी ने काम देने का जब शुरू किया, लोगों को नौकरी देना शुरू किया, तो इन लोगों को पच नहीं रहा था कि ये नया लड़का जो है इतना काम कर रहा है, लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम कर रहा है। तो ये लोग बीजेपी के लोग घबराए हुए लोग हैं और ये लोग थके हुए लोग हैं। अभी मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो मुख्यमंत्री जी के बारे में आप जान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी को नशीला पदार्थ खिलाया जा रहा है और उनको जो है इन्हीं के एक नेता है, उनको पूरे कब्जा में ले लिए हैं और नशीला पदार्थ खिला करके कोई भी दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार चाहूंगी कि मीसा भारती यहाँ बैठी हुई है, अगर वो कुछ बता पाए। मैम बस एक लाइन में आप बता दें कि आप सुबह से यहाँ पर है, अच्छा आपकी तबीयत, हाँ बस एक लाइन बता पाए कि आप लोग यहीं बैठी रहे, बाकी लोग सब लोग बोले। ठीक है, ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी क्या क्या इस बात की आशंका है, आरजेडी के यहाँ पर नेता विधायक डटे हुए हैं कि इस चुनावी माहौल में कहीं ऐसा ना हो लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ऐसी कोई आशंका है क्या इन लोगों को? बिल्कुल, मैं एक बार जानना चाहूँ, क्या आप लोगों को इस बात का डर है कि चूंकि चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में क्या आप लोगों को इस बात की आशंका जता रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है लालू जी? राष्ट्रीय जनता दल कभी डरती नहीं है, मजबूती के साथ चीजों को संघर्ष करके अब विजय प्राप्त करती है। जी आप क्या कहेंगे, आप लोगों को इस बात का भी डर है कि उनकी गिरफ्तारी? हम लोग को कोई डर नहीं है, हम लोग को हमेशा आशंका इस बात की रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, बीमार सब लोग जान रहा है कि उनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, उनको उतना देर बैठना नहीं है, उनके स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं, उसके बावजूद ये टॉर्चर करने की जो कोशिश है, उस बात की मैं भर्त्सना करता हूँ। पूरा सारे लोग इस मामले में बिल्कुल सेंसिटिव हैं, तो इस बात के लिए पता नहीं सरकार क्या इस पर सोच रही है, उसको इस निश्चित रूप से इन बातों पर ध्यान देते हुए और जल्द से जल्द उन्हें छोड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि टॉर्चर किया जा रहा है, सरकार है कुछ भी कर सकती है, अगर ऑफकोर्स इसे टॉर्चर ही कहेंगे ना, जो व्यक्ति किडनी बदलवा जिनका बदला गया हो और उनको अभी उतना देर बैठना भी नहीं है और उसको आप मतलब इस तरह से 8-8 घंटा 9-9 घंटा से बैठाए हुए हैं, तो यही काफी है, ये छोटा टॉर्चर नहीं हुआ। स्थिति में अगर गिरफ्तारी होती है तो आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए, गिरफ्तारी की बात नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होता है। अरे हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार में बैठे स्टाफ है, उसी से बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको तस्वीर में दिखा दूं रुमाना, ये सभी बड़े चेहरे आरजेडी के जो सुबह से बैठे हुए हैं, क्योंकि सामने आरजेडी के नेता जो फोन पर बात कर रहे थे, निधि आपने मिस कर दिया, उन्होंने कहा मेरा स्टाफ है नीतीश कुमार, उसी से बात कर रहे हैं, आपने मिस कर दिया निधि, दोबारा जाना चाहिए आपको उनके पास और उनसे ये सवाल भी पूछ लेना चाहिए लगे हाथ कि ईडी का नोटिस जो पहले ही सर्व किया गया था, जिसके तहत आज ही लालू प्रसाद यादव को पेश होना था, तो तब तक तो सरकार थी ना, तो तभी ईडी का नोटिस तो सर्व हो गया था, तो इसमें वेंडेटा कहां से आ गया, पूछिए। हाँ ये एक सवाल है कि ये ईडी का नोटिस जब आया था, ये देखिए बहुत वाजिब सवाल है आपसे पूछना, ये जब ईडी का नोटिस आया था ये तब का है जब सरकार थी आपकी, यहाँ आप जेडीयू दोनों साथ में सरकार में थी, तो ऐसे में आप ये पॉलिटिकल वेंडेटा इसको कैसे कर? पॉलिटिकल वेंडेटा कोई, मैं कह रहा हूं कि भारत में देश के अंदर जो सरकार है उसको सबसे ज़्यादा डर इस मास लीडर से है, जो सबसे देश का सबसे बड़ा सेकुलर और मास लीडर लालू प्रसाद जी से है, इसीलिए इस तमाम तरह के कार्रवाई की जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर लूंगी कि क्या कहेंगे, पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे हुआ, पहले से तो नोटिस था? अब देखिए गिरगिट के बारे में हमसे मत पूछिए, सीधा बात, हाँ जैसे सांप केचुल छोड़ता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया है आपको कि उसी तरह से हम सपेरा खोज रहे हैं कि भाई सांप कितने दिनों में केचुल छोड़ता है, इसे ज्यादा हम आपको क्या बताएं, बाकी हमारा सुनना होगा तो सदन का सत्र शुरू होगा, आमने सामने होगा, जो भी बात होगा फ्लोर पर होगा, आपके माइक पर थोड़ी कुश्ती होगा। स्वाभाविक है हम बोलेंगे, आप भी तो एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, इस राज्य की प्रबुद्ध नागरिक हैं, तो आपको भी तो सब कुछ पता है, हमसे ज्यादा तो आपको पता है,
अब तो एक तरह से उनका जो नाम है वो एक तरह का बिहार में गाली बन चुका है। कोई आदमी अगर अपना पहले से उस टाइप का नाम रखा है तो कहता है कि हजूर हमको बदल दीजिए मेरा नाम, हमारा नाम वो मत बोलिए, नीतीश नाम बदल दीजिए आपको। अब लोग अब देखिए आप समझ ना गए, हम हमारे मुंह से बुलवाना चाहते हैं। अरे आप एक प्रबुद्ध नागरिक है, आपको सब कुछ पता है। मैम का बात छोड़ दीजिए, निधि इनसे ये भी तो ये तस्वीर है कि इन लोगों को लग रहा है कि इनको डराने का काम किया जा रहा है, तो फिर ये लोग यहाँ बैठकर क्या संदेश दे रहे हैं? ये भी क्या पलटकर उसी तरीके से आंखों में आंखें डालकर घूरने वाला जो खेल होता है वही खेल रहे हैं यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठकर? क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? कानून अपना काम कर रहा है। अब बिल्कुल मैं इसका जवाब श्याम रजक जी से लेना चाहूंगी। ये सत्ता के इस खेल में, शाह और मात के खेल में, एक तरफ पूछताछ की जा रही है, दूसरी तरफ आप लोग यहाँ बैठकर क्या संदेश दे रहे हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं है? आंखें तरेर कर जवाब। लड़ने वाले नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल तो विचारों के सवालों को लेकर के और मुद्दों को लेकर के बराबर लड़ने का काम की है। जब हमारी लड़ाई, जब भी सवालों का होता है हम लड़ाई लड़ते हैं। कब तक बैठे रहेंगे? ये बैठना क्या, हमारे नेता से अंदर पूछताछ हो रही है, हम उनके अनुयायी हैं, हम सब लोग यहाँ बैठ कर करके इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारे नेता बीमार हैं। अब बीमारी के साथ जिस तरह से संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा देश की सरकार कर रही है, इस बात को साफ परिलक्षित हो रहा है कि ये सरकार सिर्फ सभ्यता और संस्कृति की बात करती है लेकिन सही रूप में जो कार्यान्वयन होता है तो संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पर चली जाती है। ऋतु जी क्या कहेंगे? कहना क्या है, जो जिस व्यक्ति मतलब जो अपने आप को सहनसा समझता है उसे लगता है कि वो संविधान से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है, और जो संवैधानिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको वो अपने, जैसा कि श्याम रजक सर ने बताया, अपने प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो उसी तरीके से वो देख सकते हैं कि क्या दबाव बनाया जा रहा है। अगर वैसे जीत नहीं सकते जनतंत्र से तो दबाव बना करके और डरा करके जीतेंगे। सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं जहां जहां जैसे जैसे चल रहा है, क्या एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सिलेक्टिव टारगेटिंग करना ये बंद करें। देखिए सीधी सी बात है, 2014 का चुनाव जब लड़ा गया तो गुजरात मॉडल बना के लड़ा गया, लेकिन 2024 का चुनाव में 22 महीने का तेजस्वी का मॉडल इतना भारी पड़ गया कि नरेंद्र मोदी जी बौने पड़ गए उसके सामने। छोटा कद हो गया, 22 महीने का कार्यकाल का जो तेजस्वी कार्यकाल रहा, जो नौकरी का कार्यकाल रहा, उसे इतना डर गई है केंद्र की सरकार, इतनी ज्यादा 22 महीने। एक सवाल है, विपक्ष कह रहा है कि झुक गई है आरजेडी, भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज यहाँ डरी सहमी बैठी हुई है, ऐसा बोल के हमें वो हिंसक बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता ने हमें संयमित रहने का निर्देश दिया है और हम कानून का पालन करते हुए, कोर्ट का सम्मान करते हुए अपने नेता को साथ ले जाएंगे, यहाँ से साथ लेकर जाएंगे, पर क्या ऐसी स्थिति बनेगी? कुछ नहीं बोलेंगे। जो हमारे लीडर कल आपके चैनल में और जितना भी था चैनल सब में बोल चुके, तो उससे भी ज्यादा कुछ बोलने का बचा है क्या? तो आप बेकार अपना मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं, देश देख रहा है, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि देश नहीं देख, देश इस चीज को नहीं देखा? अब तो भाई, अब तो रिक्शा खोपचा वाला, सब्जी वाला, किसी से बात कीजिए, नाम बोलने का जरूरत नहीं है, जैसी बोलिएगा पलटू राम तो तुरंत बता देगा कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। तो भाई अब आपको ये सब पूछने का जरूरत है क्या? आप बाहर में जाइए, समीक्षा कीजिए, जो गरीब गुरबा लोग सोए हुए हैं आप उनका आक्रोश देखिए, जितने भी नौजवान हैं उनका आक्रोश देखिए, जितने बेरोजगार लोग हैं उनका आक्रोश देखिए। लंपट शैली है राजनीति, तो लंपट शैली है आरजेडी की, जो 17 महीना में, उस पर भी सवाल पूछ ही लीजिए जब इन्होंने पलटू राम बोल दिया। तो रोमाना, पलटू राम तो पिछले सरकार तक थी, इस बार एक नया नाम दिया गया है और वो है गिरगिट। कहा जा रहा है कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं नीतीश कुमार, कल तक साथ थे, आज उन्होंने नया रंग बदल लिया है गिरगिट जो आपने शब्द कहा। इसके अलावा पलटू राम जिस तरीके के शब्दों का आरजेडी की तरफ से पिछली बार प्रयोग किया गया था, इस बार और नए शब्द जोड़ दिए गए उस लिस्ट में। तो जेडीयू ये कहती है कि यही तो लंपट राजनीतिक शैली है आरजेडी की, तो उसी लंपट राजनीतिक शैली पर उतर आई है क्या आरजेडी? ये सवाल पूछ लीजिए। ये सवाल है कि क्या लंपट राजनीति है आरजेडी की? एक तरफ आप पलटू राम कहते हैं, गिरगिट कहते हैं, ये जो भाषाई स्तर है इसको लेकर कि क्या आरजेडी अब लंपट राजनीति पर उतर आई? आरजेडी संस्कारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और समाजवाद कभी लंपट की राजनीति नहीं किया। ये लंपट की राजनीति तो आरएसएस ने किया,
जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो समाजवादियों ने देश की आज़ादी का परचम फहराया और वो गद्दारी करने का काम किया। उन्हीं का संस्कार है जो आज भारतीय जनता पार्टी में, इसे लंपट की बात कह कर करके वो बिहार की और देश की आम जनता और जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी में कुर्बानी दी, हम उनको अपमान करने का काम कर रहे हैं। हम गांधी के अनुयायी हैं, नाथूराम गोडसे सावरकर के अनुयायी नहीं है। ये बड़ी बात कह रहे हैं सामराजक जी। करते थे नाथूराम गोडसे लंपटगिरी करते थे, गांधी लोहिया अम्बेडकर कभी लंपटगिरी नहीं करते थे, अनुशासित काम। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने सरकार में रह करके विपक्ष में रह कर करके अपने संस्कार को, अपने अनुशासन को और अपने संस्कृति को उन्होंने एहसास कराने का काम किया। और देश की जनता भी और देश के आप तमाम लोग, पत्रकार लोग, उनकी संस्कार को, उनके विचारों को आप महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, उनको लंपट कहना हो गया। अगर आरजेडी की राजनीतिक शैली को जेडीयू लंपट कह रही है तो करारा जवाब जो यहां पर श्याम रजक की तरफ से दिया गया है, क्योंकि जेडीयू नेता इस तरीके की राजनीति करने का आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। इस सब के बीच निधि आप रहिए, मैं जरा प्रकाश कुमार का भी रुख कर लेती हूं, लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, क्या लग रहा है ये केंद्रीय एजेंसी की तरफ से कार्रवाई, इसी को लेकर अब चुनाव के लिए सियासी लड़ाई लड़ने के मूड में आरजेडी, साफ हो रही है रणनीति? रोमाना, जहां पर निधिश्री मौजूद हैं उस जगह पर जो जो शख्स ये बात कह रहा था कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, सांप जैसे केचुल छोड़ता है, वो कौन शख्स है आप इसको समझिए। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, शायद उनका नाम सामने नहीं आया है, सुनील कुमार सिंह हैं, ये आरजेडी के एमएलसी हैं, कोषाध्यक्ष हैं और विधान परिषद में वो उप सचेतक हैं और इनका आमना सामना पहले भी होता रहा था। ये वही शख्स हैं जो बराबर फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर वो ऐसी टिप्पणी करते रहते थे जिसको लेकर के जेडीयू काफ़ी असहज रहता था और जेडीयू ने कई दफ़ा अपना विरोध भी जताया था, लेकिन वो लगातार टिप्पणी करते रहे थे और ख़ास तौर से सीधे नाम नहीं लेकर के जिसको लेकर के बवाल उठाता। तो ये सुनील सिंह थे, साथ में श्याम रजक जी और साथ में आलोक मेहता, ये तमाम वहाँ नेता जो माना जाता है कि कोर टीम है आरजेडी की, वो लोग वहाँ मौजूद हैं। और आपको याद होगा कि लालू यादव जब पहली बार सीबीआई के पूछताछ के लिए जब निकले थे तो उस समय में वो रिक्शे से गए थे और उस एक अने मार्ग जो है वहाँ से सीबीआई का दफ्तर करीब था और रिक्शे से वो गए थे जब उनसे पूछताछ हुई थी। तो और जब वो जेल से लौटे थे तो हाथी पर बैठ करके लौटे थे, ये वो दृश्य थे जब लालू यादव के ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगा था। लेकिन अब जो ईडी जांच कर रही है, ये जब रेल मंत्री थे तो उस वक्त में ये आरोप लगा कि जमीन के बदले नौकरियां दी गई थी और ये अभी से आरोप नहीं है, ये पिछले कई सालों से लगातार चला आ रहा था। और इस आरोप जो लगाए गए थे ये किसने लगाया था, किसने दस्तावेज दिए थे, ये भी दिलचस्प है जानना। ये जो दस्तावेज दिए गए थे, डॉक्यूमेंट्स जो किए गए थे, जैसा कि सुशील मोदी का कहना था, बीजेपी के जो यहाँ पर तभी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, कि ये सब कुछ मुहैया कराया था जेडीयू के नेताओं ने और जेडीयू के नेताओं ने ही जमीन के कागजात निकाले थे और उसका लिंक किया था, हालांकि उस समय में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आप समझिए कितना पुराना मसला है और वो अभी भी चला। 2004 और 2009 के बीच में लालू यादव रेल मंत्री थे और आज ये 2024 है। चारा घोटाला 1996 में हुआ था और फैसला कब हुआ था, तो 17 साल लग गए थे फैसले में जिसमें लालू यादव सजा याफ्ता है। तो ईडी जो है, ईडी की कार्रवाई, जो ईडी की एंट्री हुई है, इसमें दरअसल ये जांच हो रही है कि फैमिली के मेंबर्स हैं वो किस तरह से पूरे पैसा के लेन देन हुआ, जमीन का लेन देन हुआ, उसके मनी ट्रेल को रिकॉर्ड किया गया है कि कहां से किसके खाते से कहां पैसा गया, कैसे हुआ, कैसे तेजस्वी यादव डायरेक्टर बने कंपनी में। तो ये दो तीन मामला एक साथ चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला चल रहा है, जमीन के बदले जो नौकरियां दी गई थी उनका चला गया है। तो इसमें जो मुख्य रूप से जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से एक भोला यादव है जो पीएस थे लालू यादव के और बाद में राबड़ी देवी के और फिर बाद में एमएलए भी बने थे। वो देखिए रोमाना, ये दर्शक जो देख रहे हैं वो उन्हें जानना जरूरी है कि ये जो भोला यादव और एक अमित कात्याल है, वो जब से पकड़े गए हैं तब से ईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। जाहिर है कि सरकार के बदलने को लेकर मेरा सवाल ये था प्रकाश की केंद्रीय एजेंसी की जो जांच चल रही है उसके जरिए क्या चुनाव के लेकर अपनी सियासी तैयारी यहां पर आरजेडी करती हुई नजर आ रही है, मेरा सवाल ये था। निधि, मीसा भारती वहां पर मौजूद हैं और हम देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है,
लेकिन उनसे प्लीज आप ये पूछिए सवाल, और चाहे तो मेरी तरफ से पूछिए कि एक आरजेडी के नेता के तौर पर नहीं, एक सांसद के तौर पर नहीं, एक बेटी के तौर पर इस वक्त मीसा भारती क्या महसूस कर रही है। हम रोहिणी आचार्य के पोस्ट देखते हैं जिसमें वो गुस्सा जो है एक बेटी के तौर पर वो दिखता है, क्या वैसी भावना इस वक्त मीसा भारती की भी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको मीसा से बात करवाऊंगी। थोड़ी देर पहले जब सुबह लालू जी दफ्तर पहुंचे थे, ईडी दफ्तर, तब वो मंदिर गई थी, उन्होंने पूजा अर्चना भी की है, और इस वक्त मैं इनसे एक सवाल की, ये एक राज्यसभा सांसद होने के नाते नहीं, एक आरजेडी की नेता होने के नाते नहीं, एक बेटी होने के नाते आपसे सवाल है। आपने सुबह कहा भी कि पूरा देश देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे एक बेटी होने के नाते, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, मैं अपने पिताजी के साथ आज उनको समन भेजा गया था, पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय में बुलाया गया था, और जैसा कि मैं पहले भी सब लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट अभी हुआ है और लगभग एक साल होने जा रहा है, और भी उनको काफ़ी बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं 11 बजे से जो पूछताछ चल रहा है, हमें अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं रहा है। मैंने बहुत बार कोशिश करी अंदर जाने की, बट जो अब उनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं, जो हमारे पिताजी को पूछ रहे होंगे प्रश्न वो हो सकता है वहाँ पर अपना उत्तर दे रहे होंगे, अब तो एक बार वो जब बाहर आएंगे तभी पता चलेगा, और बस उन्हीं का इंतज़ार है बाहर। निधि, डॉक्टर की तरफ से लालू जी को क्या सलाह दी गई है, कितने घंटे तक उनको बैठना चाहिए, कितना आराम करना चाहिए, इस बारे में पूछिए जरा, उनकी सेहत को लेकर जानकारी लीजिए। सरकार जो है वो चिन गई, और आज ईडी से घंटों सामना, और ऐसे में लालू जी की तबीयत भी सही नहीं है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या उनको सजेशंस दिए गए हैं, कितने घंटे बैठ सकते हैं, डॉक्टर्स सजेशन के बारे में अगर आप बता सकते। देखिए, एक तो मतलब काफ़ी समय तक वो बैठते नहीं हैं, मतलब लेट के ही रहते हैं, और उनको नी में भी प्रॉब्लम है, और तो इसलिए, लेकिन अभी तो उनसे बिठा के ही, कुर्सी पर बिठा के ही प्रश्न पूछा जा रहा होगा, जो मैं अनुमान लगा रही हूँ, मैंने तो देखा तो नहीं उनको कैसे। आपने कहा था कि एक सहायक को अंदर लेकर जाने दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि उनको ना उठने बैठने में, मैंने कहा नी में, उनके घुटने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको जब खड़े होते हैं क्योंकि उनका दिक्कत होती है, तो उनको वॉशरूम या कहीं ले जाने के लिए, इवन खाना भी खिलाने के लिए, तो उनको एक सहायक की आवश्यकता होती है, तो फैमिली जब घर में होते हैं तो हम लोग करते हैं, बाहर कभी जाते हैं तो कोई एक हेल्पर उनके साथ ज़रूर होता है, बट यहाँ पे कैसे मैनेज कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, गए नहीं गए, खाना कैसे खाया, तो अभी तक तो कुछ पता चल नहीं रहा अंदर से। क्या मैसेज आरजेडी की तरफ से देने की कोशिश करेंगे आप? नहीं, मैसेज यही देने की कोशिश कर रही हूँ कि हम देखिए, उन्होंने बुलाया, हम गए हैं, उनका जो अपनी ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है वो हम अपना कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि समय का जो चुनाव होता है ना, वो मुझे लगता है थोड़ा सोच समझ के लोग करते हैं, पर ठीक है, हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, कहीं भाग नहीं रहे हैं, जब भी एजेंसियों ने बुलाया हमने उनका सम्मान किया, हम गए और हमने जो भी प्रश्न हमसे पूछा गया, जितने आप भी सहयोग हम कर सकते हैं, हमने पूरी तरह से उनको सहयोग करने की कोशिश की है। आप सुबह से पिता के साथ आई हैं, यहाँ बैठी हुई हैं कंटिन्यू, और सभी नेता यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ बैठी रहेंगे जब तक अंदर पूछताछ होती है, और दूसरा ये कि बाहर बड़ी संख्या में समर्थक भी हैं, क्या ये भी एक मैसेज जो आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो हमसे सरकार छीन लिया गया, दूसरी तरफ इतना ज़्यादा टॉर्चर? नहीं, देखिए, मैंने हमेशा हमारे पिताजी भी और हमारे पार्टी के लोग, ये राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की तरह है, और परिवार का जब मुखिया कहीं गया हो तो वाजिब है कि परिवार के जितने सदस्य हैं वो उनका बाहर इंतजार करेंगे, तो उसी तरह से सब लोग अपना बैठे हुए हैं, अपने अभिभावक का, अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं उनके बीमारी को ध्यान में रख के, उनके एज को ध्यान में रख करके, समय पे शाम को उनको फिर अगर उनको लगे कि कुछ प्रश्न रह गए हैं या और जानकारी उनसे लेनी है तो उनको फिर बुला सकते हैं, एक बीमार आदमी को इतने घंटों बिठा के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीसा जी, जो खतरा है सवालों के घेरे में, न सिर्फ लालू जी हैं बल्कि तेजस्वी भी हैं, कल उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आपसे भी इससे पहले पूछताछ कई बार हो चुका है, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये साजिश है? देखिए, साजिश का तो पता नहीं, देश कुछ वर्षों से देश के लोग
देख रहे हैं इसको कि सिर्फ इस देश के जितने विपक्षी पार्टियों के लीडर्स हैं उन्हीं को क्यों बुलाया जाता है एजेंसियों के द्वारा, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। क्या सत्ता में जो लोग हैं और सत्ता के जो सहयोगी लोग हैं उनको कभी बुलाएगी ये एजेंसियां? और मैं तो यही, अब तो मुझे ये डर लगता है कि आप देखिए, जब हमारे पिताजी 90 से ये सब चीजें झेलते आए हैं, उसके बाद हम सब भाई बहन जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मेरी बहनें हैं, अब तो हमें हमारे परिवार को ये भी डर लगता है कि अब हमारे बच्चों को भी ना ये बुलाएं, जो बच्चे अभी छोटे हैं, कम उम्र के नाबालिग हैं, उनको भी ये बुला लेंगे। बिल्कुल, जिस तरह का माहौल देश में पैदा किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो अब तो यही डर लगता है। और मतलब ये जब समय, मैंने बार बार मैं कह रही हूँ कि किसी को पूछताछ के लिए आप बुलाते हो तो ये समय का चुनाव बड़ा सोच समझ के ये लोग करते हैं। जब इलेक्शन होता है, जब कोई क्रिटिकल, जब ऐसी चीजें होती हैं, तभी क्यों बुलाया जाता है? अंदर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक लालू जी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? आप उनके मुताबिक की सही जितने सवाल उनसे पूछे गए हैं स्पष्ट तौर पर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्या इसके पीछे वजह है? नहीं देखो, जैसे मैंने कहा कि अंदर से हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है, जब तक हमारे पिताजी बाहर नहीं आएंगे, वो नहीं बताएंगे, तो मुझे एक्चुअल सच क्या है वो नहीं पता चलेगा। और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो इसके लिए मतलब मेरे पास कोई नहीं, बीमार है और मतलब इतना लंबा समय, मैंने कहा ना कि अगर आपको लगता है ठीक है कि और सवाल है या पूछना, आप उनको फिर बुला लो, फिर आ जाएंगे। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है, बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कूच बिहार में ममता रैली कर रही थी और इसी पश्चिम बंगाल कूच बिहार की रैली में ममता बनर्जी ने कहा है बीजेपी लोगों को फोन पर धमकी दे रही है, सीबीआई ईडी का नाम लेकर धमका रही है बीजेपी। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी धमकी दे रही है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो फिर उनके घर ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी। तो डर के जोर पर बीजेपी वोट पाने की जुगत लड़ा रही है, ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं प्रकाश से आधार क्या बता रही है ममता बनर्जी, इतना बड़ा आरोप जो ममता बनर्जी बीजेपी पर लगा रही है। प्रकाश, देखिए पूरे देश में जो हलचल है पिछले कई दिनों से, जब से नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया था कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, जिस किसी के पीछे भी भ्रष्टाचार का आरोप है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में आप देखिए हेमंत सोरेन, उनके पीछे ईडी है, दूसरी तरफ जो सीबीआई और इनकम टैक्स, उसके भी कई सारे रेड्स पड़ रहे हैं, झारखंड में भी पड़े, बिहार में भी लालू यादव से पूछताछ हो रही है, फिर तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी, राबड़ी और मीसा के खिलाफ में, राबड़ी और मीसा की दो बहनों के खिलाफ में पहले से ही राउज एवेन्यू जो कोर्ट है वहाँ पर दिल्ली में, वो वहाँ पर मामला चल रहा है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, और साथ ही ये आरोप का आधार क्या हो ममता बनर्जी ही बताएंगी, क्या उनके पास कोई ऐसा ऑन रिकॉर्ड सीबीआई के नाम से या लेकिन प्रकाश के नाम ये खबर देखिए जरा कि ममता बनर्जी जो है वो ये कह रही है कूच बिहार की रैली में कि बीजेपी लोगों को फोन करके धमका रही है, बीजेपी लोगों को फोन करके ये धमका रही है कि हमें वोट दो वरना ईडी सीबीआई तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। मतलब अब इस लड़ाई को ममता बनर्जी के इस बयान के मद्देनजर क्या समझा जाए? क्या ममता बनर्जी इस लड़ाई को सिर्फ विपक्ष की लड़ाई ना रहने देकर आम लोगों की लड़ाई बनाना चाह रही है? इसी वजह से यहां पर बात विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने की नहीं है, बल्कि ममता ये कह रही है कि लोगों को फोन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आम लोगों को फोन करने और उसको अगर कोई डराता धमकाता है तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसे बयान का क्या मतलब निकाला जाए। हाँ ये जरूर है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अकूत संपत्ति होती है या लेन देन में गड़बड़ियाँ रहती हैं, अगर ऐसे बिजनेस फैमिलीज़ को, अगर ऐसे बिजनेस बड़े बिजनेस हाउसेस को अगर फ़ोन जा रहे हों तो ये अलग बात है, तो उसका तो उन्हें देना पड़ेगा पूरा सबूत कि किस आधार पर वो यह बयान दे रही हैं, कूच बिहार की रैली में वो एक बात कह रही हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से मीसा भारती को आपने सुना, वो कह रही थी कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए जब पिछली दफ़ा 2017 में नीतीश कुमार अलग हुए थे महागठबंधन से, तो उस वक्त जो है छापेमारी की जा रही थी राबड़ी आवास पर, और लगातार जो है वो
दबाव बनाया जा रहा था और ये समय बनाया जा रहा था जैसे कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है या लालू फैमिली में से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर नीतीश कुमार अलग हो गए थे। तो ठीक चुनाव के पहले इस तरह से ईडी का बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाना बहुत लंबा वक्त होता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा था वो कि 2004 से 2009 के बीच में लालू यादव रेल मंत्री थे और इतना लंबा समय लग गया इस पूरे मामले में जांच में और फिर ईडी की एंट्री होती है, तो ईडी जो समय है उस टाइमिंग को लेकर के जरूर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इसी वक्त में ऐसा क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल, और क्या ऐसी तैयारी चल रही है? 2017 का जिक्र किया तो मैं 2022 की भी बात आपको याद दिला दूं, जब दोबारा से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए थे तब नीतीश कुमार और साथ में उनके तेजस्वी यादव खड़े होते और मीडिया के सामने नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था देखिए ना बेकार के आरोप में इन लोगों को फंसा रहे हैं, इनके परिवार को फंसा रहे हैं। तब नीतीश कुमार ने बड़ी हमदर्दी लालू परिवार और तेजस्वी यादव के लिए दिखाई थी जब नीतीश कुमार साथ में आए थे आरजेडी के यही मामले में। प्रकाश जी हाँ बिल्कुल, 2017 फिर 2022, लेकिन आपने गौर किया होगा कि नीतीश कुमार कभी भी खुलकर सामने नहीं आए, वो इतना जरूर कह रहे थे कि देखिए हम आ गए हैं तो कैसे हो रहा है, अब क्या किया जा रहा है, आप ही लोग देखिए, आप ही लोग समझिए। तो कभी खुल करके नीतीश कुमार ये परिवार के बचाव में नहीं आए। हाँ ये ज़रूर था कि उनकी कोशिश थी ये कहने की कि जब जब हम साथ आते हैं तब उसी समय ईडी सक्रिय हो जाती है, सीबीआई सक्रिय हो जाती है। तो ये टाइमिंग जो मीसा कह रही थी ना, वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण है और राजनीति में सब कुछ टाइमिंग ही है। बिल्कुल, पॉलिटिकल टाइमिंग बेहद महत्व रखता है और ऐसे में एक बार फिर जब 24 चुनाव की दस्तक सुनाई पड़ रही है, चुनावी साल में देश आ चुका है, ऐसे में लालू परिवार पर केंद्रीय एजेंसी का शिकंजा ये कसता हुआ, वो भी तब जबकि कल ही बिहार में महागठबंधन की सरकार गई, एनडीए की सरकार आई। नई सरकार बनने के बाद एक्शन में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज पटना में जेडीयू सांसदों के साथ बैठक की है नीतीश कुमार ने, लोकसभा राज्यसभा के सांसद बैठक में मौजूद रहे। संसद बजट सत्र से पहले ये जेडीयू की बड़ी बैठक, आप जानते हैं संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले अपनी पार्टी के सांसदों के साथ नीतीश कुमार की ये बैठक। अब एनडीए की हिस्सेदार जेडीयू बन गई है तो जाहिर सी बात है अपने सांसदों को आगे के लिए रणनीति को लेकर चर्चा नीतीश कुमार की तरफ से की गई होगी, क्योंकि अभी तक तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की धुरी बने हुए थे और अब वही नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार में जेडीयू को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी कह रही है जेडीयू को तोड़ने का काम हो रहा था, हमने बिहार के विकास के लिए सरकार बनाई, 1996 में समता पार्टी के साथ बनाई थी सरकार, जेडीयू टूट का खतरा था, जेडीयू को खत्म करने का काम किया जा रहा था, तोड़ने का काम किया जा रहा था। जब से सरकार बनी है तब से लगातार जेडीयू के नेता भी और बीजेपी के नेता भी इन्हीं तमाम आरोपों के तहत निशाना आरजेडी पर साथ रहे हैं, कटघरे में आरजेडी को खड़ा कर रहे हैं। सुनिए जरा, समर्थन करने का काम उनकी जो स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार में, लोकतंत्र संसार हो रहा था, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था, जनता दल यूनाइटेड को सरकार में रहकर लोग ये कह रहे थे कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। सीधे रुक करते हैं, प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, एक तरफ बीजेपी है जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जेडीयू को तोड़ने का काम किया जा रहा था इसलिए हमने सरकार बना ली जेडीयू के साथ मिलकर, और वहीं दूसरी तरफ कल ही सुन रहे थे हम तेजस्वी यादव को जो ये कह रहे हैं कि जेडीयू 2024 में ही खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ कह रहे थे जो मैं कहता हूं ना वो करता भी हूं। बिल्कुल रुमाना, ये दिलचस्प है और आने वाला जो विधानसभा सत्र है जिसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, आज ही कैबिनेट में फैसला लिया गया है और नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है कि वो सत्र कब से बुलाएंगे, क्योंकि उसमें जो अध्यक्ष होते हैं बिहार विधानसभा के उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है और ऐसी सूचना अब तक आई नहीं है, उन्हें हटाने के लिए नोटिस भी दे दी गई है एनडीए की तरफ से, जो अभी गठन हुआ है एनडीए की तरफ से। तो अब ये देखना होगा कि क्या जो दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या विधानसभा के सत्र के ही समय में कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आने वाले समय में देखना होगा कैसे होता है, लेकिन
बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जाना कि जेडीयू को खत्म करने की तैयारी की जा रही थी, तो क्या बीजेपी के पास ऐसे कोई सबूत है या जेडीयू की तरफ से अब तक किसी ने खुलकर ये नहीं कहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई थी? तो ये सब कुछ धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, धीरे धीरे सामने आएंगी कि क्या वाकई में पर्दे के पीछे में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी और वो महागठबंधन से अलग होने का सोचने लगे थे। बिल्कुल, देखिए पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई या नहीं इसको लेकर भले ही कोई औपचारिक बयान ना आए, लेकिन कम से कम इतना तो साफ है सियासी गलियारों में कि नीतीश कुमार का ये कदम, ये पैतरा इस बार पलटी मारने वाला, वो जेडीयू का अस्तित्व बचाने के लिए ही लिया गया कदम है। नीतीश कुमार को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं नीतीश को एनडीए में नहीं जाना चाहिए था, इससे इंडिया गठबंधन को ही फायदा होगा, यह भी कहना है केजरीवाल का। एनडीए को नुकसान होगा नीतीश कुमार से, यह कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नीतीश कुमार ने गलत कदम उठाया है, सुनिए। देखिए मेरा अब मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया उन्होंने। जनतंत्र के लिए इस तरह का कंडक्ट सही नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है लोगों की सोच की और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इससे एनडीए को फायदे की बजाय भारी नुकसान होगा बिहार के अंदर। ये तो रिजल्ट्स ही बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एनडीए को बिहार के अंदर इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि बहुत गलत किया नीतीश कुमार ने एनडीए में जाकर, हालांकि इसका फायदा वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को मिलेगा, एनडीए को नुकसान होगा नीतीश के आने से।